चलें जी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसके कैमरे को ऑन करता हूँ। जैसे मैंने कैमरे के इसको ऑन किया तो ये आपको जो इसका लाइवली रिजल्ट दिख रहा है ये इसी मोबाइल से दिख रहा है। तो ये है वीडियो का रिजल्ट। अगर पिक्चर का मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये पिक्चर मैंने खींची, ये है इसकी पिक्चर का रिजल्ट। और अगर मैं आपको इसके अलहदा फीचर दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है इसकी वीडियो का रिजल्ट। वीडियो का रिजल्ट काफ़ी अमेजिंग आपको मिलने वाला है। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये 48 मेगापिक्सल है। तो अगर ये जो छोटी सी मॉडल है इनका मैं दिखाऊं तो ये देखें, लुक एट दैट, तो यानी कि सारी चीज़ें आपको वाजे दिख रही हैं। उसके अलावा जो इसका पिक्चर का मोड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसे फोटो में खींचता हूँ तो ये देखें कितनी क्लैरिटी आ रही है, ये देखें। उसके अलावा इसका जो सिमेंटिक व्यू है, हसान सामने आओ, जो इसका सिमेंटिक व्यू है वो भी काफ़ी अमेजिंग है। अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो फौरन ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लियर हो जाता है। अगर फ्लैग पे जैसे क्लिक किया तो सब कुछ ब्लर है, लेकिन क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट हो गया। उसके अलावा इसका जो जूम फीचर है वो मैं जूम दिखाता हूँ, वो देखो वो पैरासेलिंग जैसे आ रही है। अगर इसको मैं जूम करता जाऊँ तो हम लोग इसको काफ़ी हद तक जूम करके देख सकते हैं। और इसके जो कलर हैं वो काफ़ी अमेजिंग है, स्काई कलर सब कुछ डिफरेंट दिख रहा है, क्लाउड वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ये देखें, अच्छा उसके अलावा वीडियो का जो है मैं आपको इस पर थोड़ा सा रन करके बताता हूँ कि अगर आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं इस पर क्या करता हूँ, मैं भागता हूँ तो ये देखें स्टेबिलिटी चेक करें कि कितनी स्टेबिलिटी है। तो ये अभी मैं भाग भाग के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर मैं आपको क्या करूँ इसके फ्रंट से भाग के दिखाऊँ तो ये देखें, तो ये है इसकी स्टेबिलिटी। उसके अलावा ये विदाउट रनिंग मोड था। अगर मैं इसका रनिंग मोड ऑन कर दूं, क्योंकि ये मैंने गिम्बल के ऊपर लगाया हुआ है, अगर मैं इसका रनिंग मोड ऑन कर दूं, ये दिख रहा होगा आपको लेफ्ट साइड ये फ्लैश के ऊपर। तो जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा और अगर मैं फिर भागूंगा तो इसके अंदर स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो ये इसका ईच एंड एवरी व्यू आर है। उसके अलावा इसमें इन्होंने एक हाइपर लैप दिया है, टाइम लैप। टाइम लैप के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं किसी को यहाँ से ढूंढता हूँ और उसका मैं क्या करूँगा, टाइम लैप बनाऊँगा। यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो ये देखें टाइम लैप के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट के साथ जाके सेलेक्ट करके खड़ा हो जाऊँगा तो ये टाइम लैप बनता जा रहा है। अच्छा जी, तो इसका जो टाइम लैप का रिजल्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ईच एंड एवरीथिंग जो इसकी है वो काफ़ी अच्छी है। उम्मीद है आपको जो मैंने आईफोन का रिव्यू दिया, अभी भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके ये सारा कुछ दे रहा हूँ, ओरिजिनल मतलब जो इसका रियल कैमरा है आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और रिव्यू भी अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।